गाइस वेलकम बैक टू द चैनल बंटी हिमाचली। आज मैं आपको अपने कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा और दिखाऊंगा। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी कल्चर ड्रेस है वो कैसी होती है और कल्चर ज्वेलरी कैसी होती है और यहाँ के घर कैसे होते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ये जो घर है वो हमारे पूर्वजों ने अपने हाथों से बनाया है। मेरा घर जो था पुराना वो मेरे दादाजी ने बनाया था। मैक्सिमम जो लोग थे पहले वो अपना घर खुद बनाया करते थे। इन घरों को बनाने में बहुत मेहनत लगती थी। घर में एक छोटी सी खिड़की भी रखते थे ताकि अपने बगीचों की देखभाल कर सकें। ये जो मैंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है इसको हम अपने लैंग्वेज में चोलू बोलते हैं, जो कि यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है। और जो हमारे यहाँ पर लड़कियाँ और औरतें पहनती हैं उसे हम नवाचड़ी कहते हैं। ये जो नवाचड़ी के साथ मोस्टली सिल्वर पहनते हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो इन ज्वेलरी के साथ और इन ड्रेस के साथ खेतों का काम भी करते थे। आजकल तो ये नॉर्मल नहीं पहने जाते, पर हमारे जो पूर्वज थे वो इन ड्रेस के साथ और इन ज्वेलरी के साथ खेतों में काम भी करते थे। आजकल ये ड्रेस बहुत कम पहनते हैं, मैक्सिमम तो शादी होती है तभी पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, हमें अपने कल्चर को भूल रहे हैं और हमें अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। हमने जो ड्रेस पहनी थी वो बनती है इस पे, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं आरना। इसमें एक एक धागे के साथ इतनी मेहनत लगती है, तो आप देख ही सकते हो। तो अब कुछ इस तरह की घरों की सीढ़ियाँ हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं देखो कितनी यूनिक हैं। आजकल की सीढ़ियाँ और इनको कंपेयर करा जाए तो बहुत डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे फ्रूट्स भी बहुत लगते हैं, उनमें से एक है एप्पल, जो कि अभी छोटे हैं, एक दो महीने में बड़े हो जाएंगे। और ये है एप्रिकॉट, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में चीर बोलते हैं।
अब मैं आपको एक ऐसा घर बताऊंगा जो कि गांव का सबसे पुराना घर है।